सत श्रीकाल जी सारे निरपक्ष पोल चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्रोतों का स्वागत करता उम्मीद करता दोस्तों तुम ठीक ठाक होवोगे। सब तो पहला तो अज 13 तरीक है यानी 13 अप्रैल तो विसाखी दियां बहुत बहुत मुबारक सारे स्रोतों सारे दर्शकों को देश विदेश दे जिथे जिथे ये वीडियो पहुँच रही है वीडियो देख रहे हो तो विसाखी दियां बहुत बहुत मुबारक खालसा साजना दिवस दियां लख लख वधाइयां होण। अज एक बहुत चंगा तो खुशहाल दिन है तो खुशहाल दिन की ही शुरुआत एक खुशहाल खबर तो करते हैं। बहुत वड्डी ते राहत की खबर तो खुशखबरी खबर मैं कह सकता हाँ कि पंजाब सरकार ने किसानों दी है वो ये कि पिछले 4 साल के कार्यकाल दौरान जिन्हें भी किसानों पर केस दर्ज हुए सी जिन्हां दी कुल आंकड़े जो मैं देखा था वो सी 146 कुल जिहड़े किसानों पर केस दर्ज किए गए थे पिछले 4 सालों के कोई कह सकते हैं भी कोई कुछ तरीके का कोई कुछ तरीके जो 146 केस थे वो किसानों के उत्ते दर्ज किए गए थे FIR दर्ज थे। अज पंजाब सरकार ने ऐलान कर दिता है कि वो जिहड़े पिछले 4 साल दौरान 146 केसिस थे उन्होंने रद्द कर दिया जाएगा। एक बहुत वड्डी राहत की खबर किसानी करने वाले लोगों के लिए जिमीदार लोगों के लिए जिन्हें उत्ते किसानी लैके कुछ यहोजे इल्जाम लग गए थे मामले सामने आ गए थे FIR दर्ज हो गए थे उन्होंने लैके जी FIR हुई थी हुण पंजाब सरकार ने वो FIR वापस लैण दा ऐलान कर दिता है। उत्थी जे गल करिए किसानी घोल की तो किसानी घोल में भी तकरीबन बहुत लंबा समा बीत चुका है तकरीबन जुलाई दे विच जिहड़ा सी किसानी घोल शुरू हो चुका सी पंजाब दे विच सड़कां दे विच लोग जिहड़े सीगे उतरन लग गए सीगे तो कितने कितने हुण कह सकते हैं कि साल होण दे करीब है साल होने ही वाला है 2-3 महीने का जिहड़ा सफर है वह रह गया फिर साल हो जाना है। पंजाब तो जद ये जिहड़ा काफला सीगा ये बहुत वड्डा महाकुंभ सी शुरू होया सी तो उस संघर्ष दौरान भी जब पंजाब दे विच किसान बैठे होंदे सी टोल प्लाजे रुके सी तो उस दौरान भी क्योंकि उस समय की सीगा कोविड चल रहा सी यानी कि करोना वायरस चल रहा सी तो पंजाब सरकार ने काफ़ी केसिस दर्ज किए सी किसानों के उत्ते भी जिहड़े कि करोना वायरस की कह सकते भी जिहड़ी गाइडलाइन सीगियां उन्हां दी धज्जियां उड़ाउंदे सीगे कितना कितने उन्हां दा सरकार दा इह कहना सीगा पर हुण सरकार ने ऐलान कर दिता कि उस 146 जिहड़े केसिस ने उन्हां नूं वापस लै लिया जाएगा। एक बहुत वड्डी राहत की खबर उन्हां वास्ते जिन्हां उत्ते केस दर्ज होए सी किसानी नूं लैके उन्हां वास्ते एक बहुत वड्डी खुशखबरी की जिहड़ी खबर है मैं कह सकदा खुशखबरी एक सामने आई है विसाखी के त्यौहार से एक बहुत खुशी के त्यौहार से खालसा साजना दिवस के त्यौहार से तो उत्थे जे मैं किसान आगुआं की गल करां तां किसान आगू इस खबर नूं किवें लैंदे ने उह कहिंदे ने कि कितना कितने ये सरकार जिहड़े सी इन्हां ने झूठे जिहड़े कह सकते हैं कि केस जिहड़े बनाए सीगे हुण जद किसानी संघर्ष शुरू होया सी जे मैं किसानी घोल की गल करा जिवें मैं दस्सिया कि जुलाई दे विच ये जिहड़ा घोल सीगा शुरू होया तो जुलाई तो बाद जिहड़ा शांतमई तरीके दे नाल ही पहले दिन तो जिहड़ा ये किसानी अंदोलन चलता रहा किसान आगू पहले दिन तो ही जदों पंजाब दे विच मोर्चा शुरू होया तो पहले दिन तो ही ये अंदोलन नूं शांतमई तरीके दे नाल रखण की कोशिश करते थे तो शांतमई तरीके दे नाल बाखूबी चलिया भी इस दौरान इस करके किसान आगू का यह कहना कि जे शांतमई अंदोलन से शांतमई लोग बैठे से फिर उन्होंने केस किहड़ी गल दे कीते गए ने कितना कितने उन्होंने कहा भी सरकार ने जो केस रद्द किए ना तो कितना कितने ये बेबुनियाद ही केस सीगे भी जिहड़े बिना किसी सबूत दे बिना किसी फालतू चीज़ों के इन्होंने दर्ज कर ले सी ते उही जिहड़े केसिस ने उही FIR जिहड़ियां ने इन्होंने वापस लईयां ने ते इन्होंने कोई बहुता वड्डा काम नहीं किया किसान आगू दा ये कहना कितना कितने सोचा जाए तो जे केसिस होए भी ने तो एक बहुत वड्डा मैं कह सकता एक थब्बा लग जांदा कि जिहदे कि FIR होगी केस ते FIR इन्हां दी FIR दर्ज होगी केस बन गया कितना कितने हुण उन्होंने जिन्हां दे केस दर्ज सी उन्होंने एक बहुत वड्डी राहत की खबर अज की अज के इस दिन दे विच मिली होगी। उस तो बाद जो मैं गल करा तो कितना कितने कैप्टन सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी DGP दिनकर गुप्ता ने भी एक लैटर लिख के भेजा ये सारी चीज़ा दसिया ने कि जी असं 146 जिहड़े केसिस ने जिहड़े किसानां ते पिछले 4 साल दौरान दे विच जिहड़े दर्ज किए गए ने वो सारे रद्द करन दा जिहड़ा फैसला लै रहे हैं। हुण उस तो बाद दोस्तों जे गल कर लिए तो कितना कितने बहुत खुशी का त्यौहार है जाने कि अज विसाखी है खालसा साजना दिवस है तो देखा जाए तो जिहड़े लोग ने बहुत खुश ने लोगों के मन के जिहड़ा बहुत उत्साह है इस त्यौहार को लैके खास करके दिल्ली मोर्चे के भी जिवें मैं दस्सिया सी कि 13 तरीक नूं विसाखी का त्यौहार बड़ा धूमधाम नाल मनाया जाना है तो अज उत्थे बकायदा काफ़ी खेडां कराईयां जाणगियां विसाखी नूं विसाखी के संबंध में काफ़ी चीज़ां दिखाईयां जाणगियां मोर्चे के स्टेज तो मेन स्टेज तो भी काफ़ी चीज़ा जिहड़ियां ने वो विसाखी नूं संबंध दे विच विसाखी नूं विसाखी के संबंध में जिहड़ियां ने वो दिखाई जाणगियां दर्शकों के सामने रखी जाणगियां तुसीं भी घरे बैठ के देख सकते हो तो जिहड़े उत्थे बजुर्ग बीबियां
ਮਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤਾ ਮਾਨ ਮੱਤਾ ਪਰਵ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1706 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਰਵ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਰਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛੱਕ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।